हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका आसाम हिस्ट्री का मैराथन क्लास 3 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमारा 2 मैराथन क्लासेस हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारे वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये वाला आसाम हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो भी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो हमने पूरा आसाम हिस्ट्री में इसमें कवर अप करने के हम कोशिश करेंगे। हमने पूरा सोशल स्टडी का भी, जैसे कि पूरा सोशल स्टडी आपका मैराथन क्लास लेके 10 लेक्चर के साथ हमने पूरा कवर करवाया, उस ऐसे ही हम पूरा आसाम हिस्ट्री का हम कवर अप करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये भी अच्छा ही लगेगा। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, हमने आप आसाम हिस्ट्री ये वाला सोशल स्टडी का जो भी मैराथन क्लास था बहुत पसंद किया, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उम्मीद है ये वाला सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सर, हम मैराथन क्लास 3 स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत एक नया जोश और एक नया एनर्जी के साथ हम करेंगे। हमारा टाइम अभी ज़्यादा है नहीं, लेकिन हमें और अच्छा प्रिपरेशन के साथ बैठना है और आपका प्रिपरेशन और भी आप आगे बढ़ाइए। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सीरीज होने वाला है 50 क्वेश्चंस। आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें आंसर, हम जब आपको कमेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे तो उस टाइम पे आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। उसके बाद फिर आप, हम जब आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे तो फिर आप अपना आंसर क्रॉस चेक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपको टोटल मार्क्स कितना आ रहा है। ये वाला मैराथन क्लास आपका 50 क्वेश्चंस का होने वाला है और आई होप आपको ये वाला भी बहुत अच्छा लगे। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फिर हम आगे बढ़े रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कामरूप डायनेस्टीज इंस्क्रिप्शन दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द बी एंड द 4 लेटर्स। वी एंड वी लेटर्स कौन सा कामरूप डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन आपका प्रेजेंट करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे सर, आप हमें आंसर बोलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कामरूप डायनेस्टीज इंस्क्रिप्शन दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द वी, वी फॉर बॉय एंड वी, वी फॉर वावेल लेटर्स। स्मॉल वी एंड कैपिटल वी आपका कामरूप डायनेस्टी का जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह है, वो कौन सा इंस्क्रिप्शन आपको इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में आपको हेल्प करेगा। राइट आंसर इज योर सी, नागाजारी हनिका गाओ रॉक इंस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखिए। नागाजारी कानीरगाओ रॉक इंस्क्रिप्शंस बिलोंग्स टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, नागाजारी कानीरगाओ रॉक इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू। राइट आंसर होगा आपका बर्मन डायनेस्टी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीएस्ट एपिग्राफिक सोर्स डिस्कवर्ड इन आसाम। एपिग्राफिक मतलब जो आपका आसाम हिस्ट्री वगैरह में बहुत एंशियंट टाइम पे जो हमें सोर्स मिलता है, जिसको हम स्टडी करके हमें आसाम हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, वैसा कौन सा एपिग्राफिक सोर्स आप हमारे आसाम में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, आपको हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना है। राइट आंसर होगा आपका उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन। बहुत ही अच्छा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द वर्मन किंग भास्कर वर्मन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द वर्मन किंग भास्कर वर्मन। कौन सा आपका भास्कर वर्मन डायनेस्टी का साथ रिलेटेड नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इज योर पर्वतिया कॉपर प्लेट, ऑप्शन इज योर बी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट द उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन। आपको ऑप्शन देख के बताना है कि उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शंस के बारे में काफ़ी ऑप्शन बताया गया, कौन सा करेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। इट इज़ द अर्लीस्ट एपिग्राफिक सोर्स डिस्कवर्ड इन आसाम, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज इन द ईस्टर्न वेराइटी ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट एंड द लैंग्वेज इज संस्कृत प्रोज। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी।
ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी दोनों सही है आपका। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हुएनसांग बोलते हैं विजिटेड आसाम ड्यूरिंग द राइन ऑफ। हुएनसांग कब आसाम में विजिट किए थे आपको बताना है यहाँ पे। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर भास्कर वर्मन के टाइम पे हुएनसांग आसाम में विजिट किए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। हुएनसांग डिस्क्राइब्ड हुच कामरूप किंग एज द एरिस्टोक्रेटिक किंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया। हुएनसांग डिस्क्राइब किए थे कौन से कामरूप किंग को उन्होंने बोला था कि एरिस्टोक्रेटिक किंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग रेफर्ड हुच किंग एज द किंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। किंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोल के किन को वो मतलब नाम से नवाजा गया था। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर भास्कर वर्मन। ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है क्योंकि भास्कर वर्मन के टाइम पे वो आए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट कंपेयर्स भास्कर वर्मन विद ग्रैंड फादर भीष्मा। आपको वो बुक बताना है जो कंपेयर करता है भास्कर वर्मन को और उनके ग्रैंड फादर भीष्मा को। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर इज योर हर्षचरित्र। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। हु वॉज द फेमस टीचर ऑफ नालंदा ऑन हुज रिक्वेस्ट एंड एडवाइस चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग विजिटेड कामरूप। कामरूप में जब हुएनसांग आपका विजिट किए थे वो आपका नालंदा किसी टीचर के रिक्वेस्ट पे किए थे। आपको बताना है कि वो टीचर का नाम क्या है सर, आप यहाँ पे ज़रूर बोलेंगे हम। ऑप्शन इज योर सी सिलाबद्रा। सिलाबद्रा के रिक्वेस्ट पे हुएनसांग आए थे आसाम पे। भास्कर वर्मन जो कामरूप किंग थे वो यहाँ पे विजिट किए थे और हमारा आसाम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हुएनसांग विजिटेड आसाम इन द ईयर, वो कब यहाँ पे आसाम में कब वो विजिट किए थे आपको बताना है। कौन से ईयर पे वो यहाँ पे विजिट के लिए आए थे आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका ए 640 AD में वो आसाम में आए थे इन द राइन ऑफ भास्कर वर्मन के टाइम पे। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक ऑफ हुएनसांग दैट मेंशंस अबाउट कामरूप। हुएनसांग ने जब आसाम किंग्स और किंगडम के बारे में जो लिखा था वो बुक का नाम क्या है सर, आप हमें ज़रूर बोलिए। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पता नहीं कितने डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक ऑफ हुएनसांग दैट मेंशंस अबाउट कामरूप। राइट आंसर होगा आपका सीविकी। ऑप्शन इज योर ए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। द ओनली गिफ्ट हुएनसांग एक्सेप्टेड फ्रॉम भास्कर वर्मन वाज। भास्कर वर्मन ने काफ़ी गिफ्ट वगैरह दिए थे हुएनसांग को, तो आपको बताना है कि वो एक गिफ्ट लिए थे हुएनसांग भास्कर वर्मन से, वो गिफ्ट क्या था सर, आप हमें बोलिए। राइट आंसर इज योर ए कैप। उन्होंने एक कैप एक्सेप्ट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हुएनसांग्स अकाउंट रिकॉर्ड्स दैट कामरूप हैड ए लार्ज नंबर ऑफ। हुएनसांग ने जो रिकॉर्ड वगैरह लिखा था वहाँ पे कामरूप के बारे में बताया गया था, तो वहाँ पे बोला था कि किस कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है उनके बुक में, वो चीज़ मेंशन किए थे आपको बताना है। वो चीज़ क्या था आपको बताना है। राइट आंसर इज योर देवा टेम्पल्स। ऑप्शन इज योर सी। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे देवा टेम्पल्स काफ़ी नंबर पे देवा टेम्पल्स पाया जाता है कामरूप किंगडम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द गिफ्ट वेंग चोंग एक्सेप्टेड फ्रॉम भास्कर वर्मन वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम कोल्ड, व्हाट वाज इट। हुएनसांग होगा ये वाला स्पेलिंग आपका। हुएनसांग एक्सेप्टेड ए गिफ्ट फ्रॉम भास्कर वर्मन दैट वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम कोल्ड। वो ठंडी से मतलब वो जब रिटर्न जा रहे थे तो उनको एक गिफ्ट किया गया था जो आपको ठंडी से बचाता था,
तो आपको बताना है कि वो क्या था सर, आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका बी, होलाली। और होलाली क्या है सर, एक कैप है और कुछ नहीं, वो ठंडी से बचने के लिए एक कैप होता था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू हुएनसांग द सरकमफेरेंस ऑफ कामरूप वाज। सरकमफेरेंस मतलब ये वाला आउटर कवर, ये बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री, ऐसा लेंथ, ये लेंथ मतलब ये लेंथ को सरकमफेरेंस बोलता है। तो आपको बताना है कि कामरूप कामरूप किंगडम का सरकमफेरेंस क्या था हुएनसांग के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1700 miles। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, हुएनसांग डिस्क्राइब्ड इन हिज अकाउंट दैट द सरकमफेरेंस ऑफ कामरूप वाज अबाउट। अभी आपको हमने बोला था राइट आंसर इज योर 10,000 li, ली से रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज अराउंड 2720 किलोमीटर और 1700 miles अप्रोक्सीमेटली, दैट विल कम अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1700 miles। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, हुएनसांग अकाउंट स्पेसिफिकली मैंशंस टू वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एज एस्टीम्ड टू द पीपल ऑफ कामरूपा, वाट आर दिस। मतलब हुएनसांग ने अपने बुक में कामरूप किंगडम के बारे में लिखा था कि यहाँ पे दो फ्रूट काफ़ी ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में, आपको वो बताना है कि ऐसा कौन सा दो फ्रूट था जो कामरूप किंगडम में काफ़ी फेमस था, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ वगैरह किया जाता था। राइट आंसर इज योर जैक फ्रूट्स एंड कोकोनट्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू हुएनसांग भास्कर वर्मन बाई कास्ट वाज। हुएनसांग के हिसाब से भास्कर वर्मन बाई कास्ट, उनका कौन सा कास्ट था भास्कर वर्मन का, हुएनसांग के अकॉर्डिंगली, हुएनसांग के अकॉर्डिंगली, हुएनसांग के हिसाब से भास्कर वर्मन का कास्ट कौन सा था सर, बोलिए। आंसर इज योर ब्राह्मीन, वो एक ब्राह्मीन थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू हुएनसांग द पीपल ऑफ कामरूप वेयर। हुएनसांग के हिसाब से कामरूप के लोग कैसे थे, आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर होगा आपका ए, शॉर्ट इन हाइट एंड ऑफ येलो इन कॉम्प्लेक्शन। हाइट में थोड़ा छोटा है और येलो मतलब लाइट येलो कलर के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, ऑन द अकाउंट्स ऑफ हुएनसांग विच वॉज द फेमस पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल दैट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ भास्कर वर्मन। बे ऑफ बंगाल में अकॉर्डिंग टू हुएनसांग, हुएनसांग बोल रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में एक पोर्ट है जो कि आपका भास्कर वर्मन के कंट्रोल पे रहता था, आपको वो बताना है। फेमस पोर्ट कौन सा था वो आपको बताना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इज योर ए, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द ताम्रलिप्ति इन एंशियंट टाइम वॉज फेमस एज। द ताम्रलिप्ति इन एंशियंट टाइम्स वॉज फेमस एज, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ताम्रलिप्ति क्या है सर, ताम्रलिप्ति है आपका, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, दैट इज योर सी पोर्ट। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, विच रिवर वॉज क्रॉस्ड बाई चाइनीज बुद्धिस्ट मोंग हुएनसांग, ज्वांगजंग नाम से भी जाना जाता था हुएनसांग, बिफोर ही एंटर्ड कामरूप किंगडम। कामरूप किंगडम एंटर होने से पहले उन्होंने कोई एक रिवर क्रॉस करके आए थे, आपको बताना है कि वो रिवर का नाम क्या था सर। राइट आंसर इज योर ए, कारोतोवा रिवर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा, हुएनसांग डेजिग्नेटेड द रूलर्स ऑफ द मार्वन डायनेस्टी एज।
अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था अकॉर्डिंगली ह्वेनसांग रूलर्स ऑफ बर्मन डायनेस्टी के रूलर कौन से कास्ट के थे आपको बताना है। कौन से कास्ट के थे सर बोलिए, लाइक भास्कर वर्मन कौन से डायनेस्टी के थे? यस यू आर राइट, आंसर इज योर वर्मन। कौन हमारे यहाँ तक हमारे साथ कौन कौन प्रेजेंट है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेंडेंस लगाएंगे, हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, नहीं तो पता नहीं चलते कौन कौन लास्ट तक रहते हैं। और अगर आपने पहली बार चैनल ज्वाइन किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप हेल्प करेंगे हमें इस फैमिली को और आगे बढ़ाने में, और सबको हेल्प कीजिए ताकि उनको भी ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट उनको भी मिल जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है सर? नागार्जारी कानिकार गाओ रॉक इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ व्हिच डायनेस्टी? अभी हमने इंट्रोडक्ट पहले ही हमने ये वाला डिस्कस कर चुके हैं, नागार्जिरा कानिकार गाओ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये आपका कौन सा डायनेस्टी का था आपको यहाँ पे बताना है। ये वाला असम पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ था, सब इंस्पेक्टर असम पुलिस में आया हुआ था क्वेश्चन है। नागार्जारी कानिकार गाओ रॉक इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू द व्हिच पीरियड ऑफ द डायनेस्टी? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने इंट्रोडक्शन में अभी हमने ये वाला चीज़ डिस्कस किया था। राइट आंसर इज योर वर्मन डायनेस्टी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, हु वॉज द कामरूप रूलर हु लेफ्ट हिज सील एट नालंदा यूनिवर्सिटी? हु वॉज द कामरूप रूलर हु लेफ्ट हिज सील एट नालंदा यूनिवर्सिटी? वो किंग का नाम बताना है, कामरूप रूलर का नाम बताना है जिन्होंने अपना सील को नालंदा यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया था। राइट आंसर होगा आपका भास्कर वर्मन। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, भास्कर वर्मन अटेंडेड द ग्रेट रिलीजियस काउंसिल एट? भास्कर वर्मन अटेंडेड द ग्रेट रिलीजियस काउंसिल एट, वो कौन से रिलीजियस काउंसिल को अटेंड किए थे आपको यहाँ पे बताना है। आपको ऑप्शन देख के भी लग रहा है कौन सा होगा, आपको पता है? यस यू आर राइट, ऑप्शन इज योर सी, कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा, कुमार भास्कर वर्मन रूल्ड इन द डैश्ड सेंचुरी इन आसाम? अगर आपको आंसर भी नहीं पता होगा ना तब भी आप आंसर कर पाएंगे, इतना अंदाजा लगा दीजिए कि जब हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि ह्वेनसांग कब आए थे, ये इस हिसाब से आप बोल सकते हैं। राइट आंसर इज योर 6th सेंचुरी, उन्होंने रूल किया था 600 से लेकर 650 तक उन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ली ई पियाओ विजिटेड कामरूप ड्यूरिंग द राइन ऑफ? ली ई पियाओ ये कामरूप में किन के टाइम पे इन्होंने अपना विजिट किया था आपको बताना है यहाँ पे। राइट आंसर इज योर भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन के टाइम पे दो विजिट किए थे, एक तो किए थे ली ई पियाओ और दूसरा वादा किए थे ह्वेनसांग, आपको पता होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भास्कर वर्मन वाज ए वर्शिपर ऑफ? आपका भास्कर वर्मन किन का वर्शिप करते थे आपको बताना है यहाँ पे। बोलिए सर, भास्कर वर्मन किन का वर्शिप करते थे? भास्कर वर्मन आपका वर्शिप करते थे शिवा का, वो वर्शिप करते थे भास्कर शिवा। बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा, ड्यूरिंग भास्कर वर्मन सर राइन्स द मेजर इंडस्ट्री इन कामरूप वाज? जब भास्कर वर्मन रूल कर रहे थे तो मेजर इंडस्ट्री कामरूप में सबसे मेजर इंडस्ट्री कौन सा था वो आपको यहाँ पे बताना है सर, बोलिए। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आंसर इज योर ए, बोट बिल्डिंग सबसे अच्छा माना जाता था उस टाइम के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशनड आइटम वाज नॉट सेंट एज ए गिफ्ट फॉर वर्क गिफ्ट फ्रॉम भास्कर वर्मन टू हर्षवर्धन? कौन सा आइटम नहीं सेंड किया गया था हर्षवर्धन को भास्कर वर्मन के द्वारा, आपको ये ऑप्शन देख के आपको बताना है। कौन सा नहीं भेजा गया था?
मतलब बाकी तीन भेजा गया था, एक कोई एक चीज़ आपको बताना है जो नहीं भेजा गया था। राइट आंसर होगा आपका एलिफेंट्स, एलिफेंट्स नहीं भेजा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बर्मन किंग्स। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्मन डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर का नाम आप बोलिए सर, बर्मन किंग्स का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर का नाम बोलिए। राइट आंसर इज योर भास्कर वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग द राइन ऑफ भास्कर वर्मन हु वाज इन चार्ज ऑफ द रॉयल ट्रेजरी ऑफ द किंगडम। भास्कर वर्मन के टाइम पे ट्रेजरी में मतलब फाइनेंस वगैरह कौन देखते थे ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन इज योर डी, बंदरा गारा दिकारा। बड़ा डिफिकल्ट नाम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बर्मन किंग फॉर्म्ड एन अलायंस विद द मौकारी डायनेस्टी टू फाइट अगेंस्ट द गौर खान। गौर किंग के साथ फाइट करने के लिए एक अलायंस बनाए थे मौकारी डायनेस्टी का, वो कौन से बर्मन किंग थे जिन्होंने अलायंस बनाया था मौकारी डायनेस्टी के साथ टू फाइट अगेंस्ट गौरी किंग। गौर किंग के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए कौन बर्मन किंग अलायंस किए थे आपका मौकारी डायनेस्टी के साथ। राइट ऑप्शन इज योर बी, सुस्तिता बर्मन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइटिस गॉड गॉडेसेस इज मेंशन्ड इन द उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उमाचल रॉक इंस्क्रिप्शन में कौन गॉड या गॉडेस या फिर डाइटिस का नाम मेंशन किया गया है वो आपको बताना है। बोलिए सर क्या है आपका आंसर। राइट ऑप्शन होगा आपका बी, बालारामा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग द्वारका वाज एब्जॉर्ब्ड विद द कामरूप किंगडम। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग द्वारका वाज एब्जॉर्ब्ड विद द कामरूप किंगडम। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग द्वारका वाज एब्जॉर्ब्ड विद द कामरूप किंगडम। बोलिए सर। राइट ऑप्शन इज योर ए, कल्याण वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द वर्मन डायनेस्टी। वर्मन डायनेस्टी में जो ऑफिशियल लैंग्वेज था उसके बारे में आपको चार ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि सर चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप हमें ज़रूर यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में बोलेंगे। बोलिए सर। कौन सा करेक्ट है बोलिए। ऑप्शन इज योर सी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ वर्मन डायनेस्टी वाज कामरूपी प्राकृत एंड संस्कृत। हमने ये वाला चीज डिस्कस किया था कामरूपी प्राकृत और संस्कृत के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच किंग ऑनर्ड भास्कर वर्मन एट ए कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कनौज। कौन से किंग भास्कर वर्मन को ऑनर्ड किए थे कनौज पे, आपको ये बताना है। राइट ऑप्शन इज योर बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, चाइनीज पिलग्रिम वेनसंग रेफर टू विच किंग एज द लेटेस्ट किंग। वेनसंग कौन से किंग को सबसे ज़्यादा लेटेस्ट किंग माना जाए डिक्लेयर किए थे, बताना है सर आपको। राइट ऑप्शन होगा आपका डी, शशांका। फिर नेक्स्ट हम 40 में आ गए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, नेम द फॉरेनर हु रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट्स दैट ही केम टू कामोलुपो। नेम द फॉरेनर हु रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंट दैट ही केम टू कामोलुपो। कौन से फॉरेनर थे वो जो आपने अपने रिकॉर्ड में ये चीज़ बताए थे कि उन्होंने विजिट किया था कामोलुपो।
ऑप्शन नंबर बी वेनसंग। वेनसंग ने ही अपने बुक में कामोलू पो के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द वर्मन डायनेस्टी। वर्मन डायनेस्टी का लास्ट कौन कौन थे वो आपको बताना है। द रूलर ऑफ द वर्मन डायनेस्टी केम टू एंड विद द डेथ ऑफ। बोलिए सर, वर्मन डायनेस्टी का लास्ट कौन थे आपको बताना है। लास्ट वर्मन डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन थे आपको बताना है। वैसे हमने एक्सप्लेनेशन में आंसर बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर डी आंसर इज योर भास्कर वर्मन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने ये रहा। फॉर हाउ लॉन्ग द वर्मन डायनेस्टी रूल्ड इन असम। असम में वो कितने साल तक यहाँ पे रूल किए थे आपको बताना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ ये चीज़ डिस्कस किया है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप आराम से यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं। हमने आपको बोला था भास्कर वर्मन रूल किए थे आपको 600 से लेकर 650 के बीच में उन्होंने भास्कर वर्मन ने रूल किया था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि भास्कर वर्मन आपका वर्मन डायनेस्टी का लास्ट किंगडम थे, तो ऑब्वियसली 650 विल बी द लास्ट। तो 650 तो आपका सबका सब ऑप्शन है, तो इस सब रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्ट कब से हुआ और ख़त्म कब हुआ ये तो हमें पता चल गया। तो आपको बताना है कि स्टार्ट कब हुआ था। सर बोलिए, स्टार्ट हुआ था 350 में, 350 से लेकर 650 तक ये वाला हुआ था। फिर नेक्स्ट हम 43 पे आ गए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्मन डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, आपका आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है वर्मन डायनेस्टी में कौन से किंग कब आए थे, आपको ये वाला ऑर्डर आपको बताना है, सीक्वेंस में बताना है। सर बोलिए, आपका आंसर क्या आ रहा है। सर मैंने ऑप्शन, मुझे आंसर पता भी नहीं होगा तब भी मैं दो ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि भास्कर वर्मन वाजदा में, चलिए इतना मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, भास्कर वर्मन वाजदा लास्ट किंग ऑफ वर्मन डायनेस्टी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो भास्कर वर्मन सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन ए और सी में से कोई होगा। अब तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए और सी में से कौन सा होगा। और अगर आपने वर्मन डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे अगर ये याद कर अगर थोड़ा बहुत याद होगा तब भी हमें, अच्छा ये भी दिया हुआ है कि चलिए भी बता दो पुष्य वर्मन आपका फाउंडर थे, तो इस हिसाब से आप वो भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ए और सी में बताना है कि आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी योर सी पुष्य वर्मन। जनरली क्या होता है कि ऐसे फर्स्ट और सेकंड में अगर ऐसे कंडीशन में आ गया, दो रिजेक्ट कर रहे हैं और ए और सी में अगर होना चाहिए, तो मतलब जनरली ऐसा देखा गया कि सी होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन मैं सर इसका गारंटी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ए और सी में अगर तुक्का मारना है तो बस ये हेल्प सकता हूँ कि शायद मैं 0.1% में आपको हेल्प कर पाऊँगा, तो इसका आंसर करेक्ट होगा इसका मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। वैसे ही एक नॉर्मल ट्रेंड बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर दो ऑप्शन आ गया तो सी होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन सी ही होगा इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में गाली नहीं देंगे इस बात के लिए, ठीक है। हम छोटा मोटा चीज़ जो भी लगता है कि हमें डिस्कस करना ठीक लगता है तो हम वहाँ पर कर देते हैं, लेकिन बाकी अगर बुरा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे है ना कि हम यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में हैं, अगर एक हमारा एक फ्रेंडशिप और एक रेस्पेक्टफुली मतलब एक रिलेशन होता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ द वर्मन डायनेस्टी वाज नॉट रिलेटेड विद अश्वमेधा योजना। अश्वमेधा योजना होता है एक्चुअली, अश्वमेधा योजना के साथ कौन से किंग आपका रिलेटेड नहीं थे वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर पुष्य वर्मन आपका वैसे अश्वमेधा योजना के साथ वो रिलेटेड नहीं थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने ये रहा। द रुइंस ऑफ द ब्रिक टेम्पल एट द पर्वतिया आर डेडिकेटेड टू व्हिच गॉड गॉडेस। आपका ब्रिक टेम्पल जो आपका द पर्वतिया में है वो कौन से गॉड या फिर गॉडेस को ये चीज़ किनको रिप्रेजेंट करता है, कौन से गॉड को रिप्रेजेंट करता है आपको ये बताना है। ऑब्वियसली आपको पता होगा राइट आंसर इज शिवा, क्योंकि वो शिवा का भक्त है तो शिवा को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने ये रहा। द पार्वती ऑफ तेजपुर डेट्स बैक टू द, ये कब आपका यहाँ पे बना था वो आपको यहाँ पे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बोलना है। राइट आंसर विल बी योर 67 सेंचुरी एडी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे,
द रुइंस ऑफ द ब्रिक टेम्पल एट द पार्वती बिलोंग्स टू, रुइंस ऑफ ब्रिक टेम्पल जो आपका द पार्वती है वो किनका था वो आपको बताना है। राइट ऑप्शन विल बी योर डी, लेटर गुप्ता पीरियड। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने ये रहा, द ताजपुर ग्रैंड एंड द पार्वती प्लेस वेयर लेफ्ट बाई, ताजपुर ग्रैंड, ताजपुर में जो ग्रैंड बना था और पार्वती में जो प्लेट बना था वो वॉज लेफ्ट बाई, वो कौन छोड़ के गए थे आपको यह कॉमेंट सेक्शन में बोलना है। राइट ऑप्शन विल बी योर बी, वनामाला, वनामाला ने छोड़ के गया था तेजपुर ग्रैंड और पर्वतीय प्लेट उन्होंने छोड़ के गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने ये रहा, आफ्टर द फॉल ऑफ द वर्मन डायनेस्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिगेन देयर रूल, बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है वर्मन डायनेस्टी के बाद कौन सा किंगडम आया है वो आपको यहाँ पे बताना है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज योर म्लेच्छा डायनेस्टी, म्लेच्छा डायनेस्टी आया हुआ है आपका वर्मन डायनेस्टी के बाद। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इन द 7th century AD हु वॉज द ट्राइबल लीडर टू टेक ओवर द थ्रोन ऑफ कामरूपा दैट वॉज ऑक्युपाइड बाई द प्रिंसेस ऑफ द भगदत्ता, भगदत्ता के लाइन से एक कोई एक किंग अब यहाँ पे कामरूप के यहाँ पे थ्रोन को कैप्चर किए थे, तो उन्होंने कौन से ट्राइबल लीडर को, उन्होंने कौन से ट्राइबल लीडर इनका मतलब इनको ओवर थ्रोन किए थे कामरूप किंगडम से, आपको ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बोलेंगे कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। और ये वाला वीडियो आप मतलब ये वाला सीरीज़ जैसे आपने सक्सेस स्टडी का जो सपोर्ट और मोटिवेशन हमें दिखाया, आप हमें इसी के लिए ऐसे ही आप मोटिवेशन और सपोर्ट हमें दिखाएंगे ताकि आपका मोटिवेशन हमें और मोटिवेट करेगा कि आपके सामने वीडियो लाने के लिए, तो आप हमें मतलब आपका मोटिवेशन होना भी ज़रूरी है ना। और आपका कमेंट आपका फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट लेने दीजिए यू नो, और आप हमें हेल्प करेंगे कि इस वाले फैमिली को और आगे बढ़ाने ले जाने के लिए, क्योंकि हमें तो हमारा काम है वीडियो प्रोवाइड करना, वो तो हम कर रहे हैं रेगुलरली, और आपका काम ये है कि आप भी हेल्प करेंगे, हम जैसे आपका प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं तो आप भी हमें हेल्प करेंगे कि आपके फ्रेंड के सर्कल के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो शायद इस चैनल को ग्रो होने में हमें आप हेल्प करेंगे, और सबको बेनिफिटेड होने दीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये वाला सीरीज़ हम इसलिए बना रहे हैं, बहुत बिजी है और हेक्टिक रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद एक नया सीरीज आपके सामने लाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यू नो आप बाकी आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन आपका जीएस सेक्शन सबसे ज़्यादा जो मैटर करने वाला है उसमें आप ज़्यादा दिन ध्यान नहीं दे रहे, और इतना ब्रॉड एंड वास्ट सेक्शन है ना सर, आप 2 महीने में बच्चा कितना प्रिपरेशन कर ले, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यू नो मॉक टेस्ट के साथ आपका ये वाला मैराथन क्लास के साथ फिर सोशल स्टडी क्लास के साथ हम आपका एक वीडियो रेगुलरली प्रोवाइड कराएं, ताकि आपका जीएस सेक्शन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो हम आपको फिर पैरेलली हम आपको कवर करवा लें। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली इतना यूट्यूब चैनल देखते हैं तो यू नो हम भूल ही जाते हैं कि कौन सा चैनल में कौन सा मटेरियल कंटेंट मिला था, और आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिलता जाएगा, और आपको एक रेगुलर और एक सिक्वेंशियल पूरा प्रीवियस ईयर आप पूरा कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए सर, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपका चैनल के बारे में आप मतलब यू नो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया जोश और एक नया एनर्जी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा प्रिपरेशन लीजिए, टेक केयर, बाय बाय।